नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संपूर्ण रणनीति के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस विषय को हम कितना समय दें, किस विषय को हम सबसे पहले पढ़ें, कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करें। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 145 प्लस प्रश्नों को कैसे सही करें, ठीक है। यही हमारी रणनीति है, क्योंकि हमें प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है। इसके बेसिस पे हमें मार्क्स या क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं सही करने कि हम 170 सही कर दें, 180 सही कर दें, उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है सिलेक्शन की वो आपके मुख्य परीक्षा से बनती है। तो हमारा सिर्फ एम ये रहेगा कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को 145 प्रश्न सही करके एक सेफ साइड पे रहें। इसी श्रृंखला में हम आपको विषयवार रणनीति भी बताएंगे, जिसमें हमारे विषय के विशेषज्ञों द्वारा एक-एक करके सभी विषय की रणनीति बताई जाएगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इन श्रृंखला को देखने के लिए आप परीक्षा प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इन सभी के नोटिफिकेशन जानने के लिए कि आप बेल आइकन जो आपको नीचे दिख रहा है उसे जरूर पुश कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दी गई है। तो आज हम शुरू करते हैं रणनीति हमारी कि कैसे 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा है आरओ एआरओ की, जो अभी लेटेस्ट आपका जो यूपीपीएससी का न्यू कैलेंडर आया है उसमें देखा गया है कि ये 5 दिसंबर को चला गया है, क्योंकि पहले ये परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन जो सिचुएशन चल रहे हैं उन सिचुएशन के चलते इस एग्ज़ाम को सभी एग्ज़ामों को टाला गया है, और जिसमें इसकी जो डेट पड़ी है प्रारंभिक परीक्षा की वो 5 दिसंबर पड़ी है। तो हमारे पास समय तो काफ़ी है, ऑन अप्रॉक्स अगर आज से बात करें तो 6 महीने का हमारे पास समय है। तो इस 6 महीने के समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, एक एक कर कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने हमसे पूछे हैं कि क्या कैसे कौन सी तैयारी करें, क्योंकि आपके इधर पूरे एक तरफ से लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। पहले पीसीएस है, ठीक है, कुछ बच्चों के जीआईसी हैं, उसके बाद पीसीएस है, फिर आरओ है, ठीक। तो ये क्रम से आपके एग्जाम लगे हैं, तो बच्चों के मन में ढेर सारे प्रश्न उठ रहे हैं, सर हम किसकी तैयारी करें, किस पे ज़्यादा फोकस हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों के माध्यम से ये रणनीति मैं आप लोगों के सामने आज साझा करूंगा। जैसे आज बात करते हैं कि कुछ टॉपिक, जैसे मैं बात करूं कि आपको ये डेट पता चल गया कि भैया हमारा जो प्री है 5 दिसंबर को है और मेंस हमारा 10 अप्रैल 2022 को है, ठीक है। अच्छा खासा अगर पूरे एग्जाम की बात करें आरओ की, तो हमें 10 महीने का समय मिल रहा है ऑन अप्रोक्स, और आरओ के लिए 10 महीना सफिशियंट होता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैं रणनीति पर आऊंगा आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी तो बहुत सही बता रहे हैं, ये तो सिर्फ 5 महीने का काम है, आरओ को पढ़कर निकालना, ये 100% 5 महीने का काम है भैया, ठीक है। 24 अक्टूबर को पीसीएस प्री, 5 दिसंबर का आरओ का एग्जाम है, कैसे करें तैयारी, ठीक है। ये बच्चों का सवाल है, कहीं ना कहीं सभी बच्चे, जितने लोग आप लोग एस्पिरेंट हैं, सिचुएशन देखते हुए सभी के सभी कहीं ना पीसीएस का भी फॉर्म डाले हैं और आरओ यारओ का, क्योंकि क्या होता है इस बेरोजगारी के अवसर पे जो भी फॉर्म निकलता है उसमें सभी लोग फॉर्म तो फिल ही कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आती है और डेट आपके सामने होता है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हम किस पर फोकस हों, किस पर ना हों, कौन हमारे लिए लाभदायक होगा, क्या नहीं लाभदायक होगा। इस प्रश्न का भी हम जवाब देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तैयारी कैसे करें, पढ़ें क्या, छोड़ें क्या, ये तो मैक्सिमम बच्चों का सवाल है। जो फ्रेशर हैं उनका तो मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिलेबस देखते हैं और सिलेबस में लिखा रहता है भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब वो समझ में नहीं आता कि उनको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ें,
कोई एक प्रॉपर मार्गदर्शन उनको नहीं मिलता है विषय के संबंधित। यही मार्गदर्शन देने के लिए कि आपको विषय संबंधित भी मार्गदर्शन मिलेगा, आज मैं आपके सामने संपूर्ण मार्गदर्शन करूंगा कि कैसे आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले किस विषय को पढ़ें ये भी आज मैं यहीं से बता के जाऊंगा, और जो विषय बताऊंगा समझ लीजिए उसी की आगे आपकी रणनीति पता चल जाएगी, तो आप बस उसी विषय को उसी रणनीति के हिसाब से फॉलो करते रहिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके यहां विश्वास करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहां पे देखो, जो पहला प्रश्न है आपका कि सर पीसीएस 24 अक्टूबर को है और आरओ का एग्जाम 5 दिसंबर को है, तो हम किस पर फोकस हूं? यहां देखो, 5 दिसंबर में 6 महीना ऑन अप्रोक्स है, मेंस में 4 महीना है, आपकी टाइपिंग और फाइनल सब कुछ होने में हमें 2 महीने का समय मिलता है, जो आपके आरओ आरओ और यारओ दोनों की बात कर रहे हैं, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। तो यहां पे 6 महीना आपको प्री एग्जाम के लिए मिल रहा है, ठीक है। और अगर बात करें हम पीसीएस के लिए, तो पीसीएस के लिए आपका क्या है, अक्टूबर में एग्जाम है, तो वहां पे आपको समय कम है, सिलेबस बड़ा है, मेंस में भी सिर्फ 2-2.5 महीने का समय दिया गया है, तो वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं बताऊंगा कि आप जिस रोल में कैंडिडेट में आते हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी है कि भैया किसको करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये दे लिए। और मेंस की तैयारी, भाई देखो यहां मेंस आपका 10 अप्रैल को है, तो अभी से परेशान मत होने लगना कि सर जी हमारा साथ साथ मेंस चला दो, यहां मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं। मेंस के लिए यार ये 4 महीना दिया है, मेंस के लिए 2 महीना सफिशियंट है, क्योंकि जो ये 6 महीना दे दिया ना, इसी में पूरा मेंस तुम्हारा कवर हो जाएगा। मेंस में आपको जीएस का जो पेपर होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे, सेम सिलेबस होगा जो प्री के 140 क्वेश्चन का होगा, एकदम कुछ अलग से एफर्ट नहीं पुट करना है। हिंदी आपका जो ऑब्जेक्टिव यहां 60 क्वेश्चन आपके आता है, वही हिंदी आपका 60 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आपका कहां आएगा, मेंस में आएगा, एक टॉपिक कम आएगा, परिवाची नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ लो उसमें भी मेंस में भी आपको जो प्री पढ़े उससे कुछ कम ही आ रहा है, तो कितना अच्छा अवसर है कि एक प्री की तैयारी आपकी मेंस की साथ साथ तैयारी हो जा रही है। लेकिन कुछ चीजें अंतर हैं, जहां आपकी लेटर राइटिंग आती है, ड्राफ्टिंग आती है लेटर की, उसके बाद से आपके निबंध आते हैं, बगैर इसकी भी स्ट्रेटजी होगी। जब आपका मैक्सिमम आधा पोर्शन प्री से ही तैयार हो गया, तो 4 महीने क्या जरूरत है, लेटर और ड्राफ्टिंग तो हम 1 महीने में सीख जाएं। और सही माने तो जब हम ऑफलाइन बैच चला रहे थे 2017 मेंस के लिए, तो हमने मेंस के लिए सिर्फ 2 महीना बैच चलाया था, और सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास थे मेंस में, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे मेंस में हमारे यहां से, ठीक है। उनको एक एक करके, बाकी हमारा स्ट्रेटजी यही था कि 3 टॉपिक से आपका जो निबंध है उनमें से 10-10 टॉपिक पे आपके तीनों से 10-10 का निबंध करा दें, पूरा फुल प्रैक्टिस उसी में से आ गया था। और जो निबंध की ड्राफ्टिंग और लेटर राइटिंग है ये आपको बता दें, क्योंकि ये सब चीजें आप सीख के आए हो, ऐसा नहीं कि आप लेटर लिखना नहीं जानते, लेकिन प्रशासनिक लेटर कैसे लिखा जाता है उसका टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। प्री तुम क्वालिफाई करके दिखाओ, मेंस हम क्वालिफाई करके दिखाएंगे तुम्हारे साथ मिलके, उसकी चिंता ना करो कि मेंस में लेटर राइटिंग लिखना है, ये लिखना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मेंस तो एकदम छोड़ दो इसकी, प्री कर लिए तो मेंस अपने आप निकल जाएगा, इतनी आसान जॉब है। और इसी सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि क्यों पीसीएस में कह रहा हूं कि अगर आपको पीसीएस लगा हुआ है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आपको पीसीएस अभी नहीं देना है, ठीक है। पीसीएस आपका 24 अक्टूबर है, उसके बाद से मेंस 28 जनवरी को है, गैप देखो कितना कम है, 2.5 महीना भी नहीं मिल रहा है आपको ढंग से देखा जाए तो। और पीसीएस मेंस में 4 आपको जीएस देना है, 2 ऑप्शनल देना है, 6 तो सब्जेक्टिव देना है, ठीक है। तो भैया आपका मैक्सिमम समय, सिलेबस देख लो, सिलेबस तो भैया तुम अगर 2 साल पढ़ो तभी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट हो तो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो 2 साल आपको 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना होगा,
तब आप जाके इस पीसीएस के जॉब को, आप ड्रीम जॉब को पा सकते हो। लेकिन समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अगर दिन भर में तुम सिर्फ 3 से 4 घंटा पढ़ते हो तो मेरा दावा है 100% कि आपका पोस्ट लखनऊ सचिवालय में से कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर 24 अक्टूबर का हम पीसीएस पे फोकस हो जाएं कि हम 5 दिसंबर के आरओ प्री पर फोकस हो जाएं। देखो, कहते हैं बच्चे कि सर दोनों में पढ़ना तो सेम है, तो हम पढ़ रहे हैं पीसीएस का, आरओ भी हो जाएगा। देखो, बात आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पीसीएस पे फोकस हो तो आरओ का प्री ही निकल जाए, ये मैं 100% नहीं कह सकता हूं। आप फ्रेशर हो और आप पीसीएस के लिए हो तो मैं कैसे जानूं कि आप पीसीएस के पढ़ रहे हो तो आरओ भी निकाल ले जाओगे। ठीक है, दोनों में अंतर है पैटर्न में। देखो, मैं बहुत नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर है, कुछ पोर्शन, कुछ चीजें, क्वेश्चन के पूछने का तरीका अंतर है। यहां यूपी गायब ही कर देता है पीसीएन में, और वहां पे आपका आरओ और एआरओ में आपका यूपी के बहुत अच्छा वेटेज होता है, 12 से 13 क्वेश्चन होता है, मूड घूम गया तो 15 16 कर देगा। ठीक है, तो ये क्या स्किप करोगे? नहीं, यही तो आपका प्लस पॉइंट है आरओ एआरओ में, बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन प्रश्न के पूछने का जो पैटर्न है वो दोनों में अलग अलग है। इसीलिए मैं कैटेगरी लेके आया हूं कि स्टूडेंट में दो प्रकार के स्टूडेंट हैं हमसे जो क्वेरी करने वाले हैं। एक एकदम फ्रेशर हैं जो इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे लगातार 2 साल देख रहे हो कि क्या स्थिति है भारत की चाहे विश्व की। इस स्थिति में जो भी बच्चा ग्रेजुएट हुआ है वो उनके सामने आपके पास जो वैकेंसी पड़ी है, आपने देखा कि आयोग, लोक सेवा आयोग कितनी तेजी से अपनी वैकेंसियों को जो कराता जा रहा है। इसके सामने कोई भी आयोग, अगर चाहे हम SSSC की बात करें, आप देख सकते हो कि कोई भी वैकेंसी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। 2016 2018 17 की वैकेंसी आपकी सफल नहीं हुई, बीच में होने के बाद कैंसिल भी हो जाती है। तो यही एक आयोग है जो बहुत सही तरीके से ढंग से आपका चल रहा है और सभी एग्जाम एक समय पर कंडक्ट करा ले रहा है। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं जिनका अभी ग्रेजुएट कंप्लीट करके निकले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड से हो चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। ठीक है, यहां पे थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड कहने का मतलब, चाहे जो वो इंजीनियरिंग किए हो चाहे कोई टेक्निकल कोर्स किए हो, आप बीएससी आईटी वाले भी बीएससी कंप्यूटर पढ़ते हो वो भी टेक्निकल हुए, आर्ट नहीं हो, लेकिन जो प्योरली आर्ट साइंस से हैं उनके लिए भी अच्छा सुनहरा अवसर है और टेक्निकल वालों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि जो कंपटीशन है आपके ही हिंदी से है, हिंदी आपका 60 क्वेश्चन आता है भाई साहब, और 60 क्वेश्चन के लिए ये बेचारे जो हैं टेक्निकल बैकग्राउंड कहते हैं कि सर हिंदी इसमें बहुत आती है, यहां भी हिंदी आती, मेंस भी आती, तो इसकी नहीं तैयारी करेंगे हम, पीसीएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसमें हिंदी का कोई वो नहीं है, वहां इंग्लिश हिंदी दोनों आता है। अरे भैया, मेंस में जो हिंदी आती है उतनी हिंदी मेंस में यहां भी पूछी जाती है, और जो आपकी प्री में हिंदी आती है वो तो कक्षा 8वीं 10वीं तक आप पढ़े हो यार, हिंदुस्तान में पैदा हुए हो और खासकर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, और ये कहो हमारे टेक्निकल बंदे कि आपको हिंदी ना आती हो, तब तो भैया ये हम नहीं मान सकते हैं। बस ये आप अपना जो एक्सक्यूज दे रहे हो, ऐसा कोई चीज नहीं, और ये भी नहीं कि हिंदी ग्रामर आपको पढ़ना है, आपको हिंदी की शब्दावलियां पढ़ना है। जो अभी भी आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो मेरा दावा है 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो पढ़ लो यार, जो पढ़ लेता है वो 60 में 58 क्वेश्चन सही करके आता है। ठीक, तो ये आर्ट वाले कहते हैं कि हमारा हिंदी स्ट्रांग है, हम इस वजह से जाएंगे। ठीक, तो तुम भी सोचो। तो ये कहीं ना कहीं आर्ट वालों के लिए तो अच्छा मौका है ही है। ठीक है, टेक्निकल वाले जो तुम लोग डर पैदा है कि नहीं हिंदी आता है, हिंदी लिखना होता है, अरे अंग्रेज थोड़ी थे, हर चीज तो हिंदी में करते आए हो। ठीक, तो उसके लिए घबराइए ना, क्योंकि यहां पर देखो पीसीएस और आरओ का कंपैरिजन करें तो वहां 4 पेपर तुम्हें मेंस के लिखने हैं, वो भी जीएस के, अलग अलग सब्जेक्ट, बड़ा सिलेबस, कंप्लीट करने में भी समय लगेगा। तो आप अभी फ्रेशर हो तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप आरओ पे फोकस हो जाओ बच्चा, आज ही से। आज से अगर आप पीसीएस पे फोकस हो रहे हो
तो मैं 2 साल 1.5 साल आपको अच्छे से प्री के साथ मेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब आप पीसीएस दे सकते हो। ये मैं फ्रेशर के बता रहा हूं, लेकिन इसमें नहीं। आरओ में आप फ्रेशर हो, अभी अभी स्टार्ट करना चाहते हो, 6 महीना का समय तो प्री के लिए है। सिलेबस आसान सा है, जो सिलेबस प्री के पढ़ना है वही सिलेबस मेंस का पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात एकदम ध्यान करके रख लेना कि भैया आप लोगों के एक अच्छा खासा मौका मिला है आरओ का, और ये हर बार वैकेंसी नहीं आती है मेरे मित्रों, ठीक है। आपको 17 में आई, फिर 21 में आई, 13 और 14 में आपका वैकेंसी आया था, उसके बाद से सीधे 16 वाला आया, कैंसिल हुआ, फिर से री एग्जाम 2020 में हुआ, 17 में हुआ था, अब 21 में आ रहा है। अब कब आए, लेकिन 2 साल 1 साल बाद तो आती है। लेकिन जॉब आपकी ड्रीम है, लखनऊ आपका वेट कर रहा है। तो इसीलिए भैया कि आपको अगर मन बनाना है, आज से बना रहे हो, तो जो लोग फ्रेशर हो ध्यान सुन लो कि वो आरओ पर फोकस हो जाओ। गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी के साथ एक बार चल के देखो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट, दूसरे को देखकर ओल्ड स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो ओल्ड स्टूडेंट वो है जो कहीं ना कहीं उतना ग्रेड पे पा रहे हैं, तो उनकी मानसिकता ये होती हम तो वही ग्रेड पे पा रहे हैं, तो हम कुछ अलग से रुतबे वाली जॉब पर प्रिफेयर करें, तो ये पीसीएस की तरफ जाते हैं। या वो बच्चे इसमें आते हैं जो कई बार पीसीएस दे चुके हों, कई बार आरओ दे चुके हैं, किसी कारणवश उनका नहीं लास्ट में सिलेक्शन होता है, तो उनको पता है अपनी स्ट्रेटजी, वो अपने तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उन्हें भी मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग भी एक बार टीम के साथ जुड़िए। आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा, सेलेक्टेड लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे आपको किस दिशा में आप जाइए, कितना पढ़िए, कि आप अगर पीसीएस पे फोकस्ड हो तो वो निकल जाए, आरओ पे हैं, क्योंकि आप अगर ये जो हैं अगर 2-3 बार आपका प्री दिए हैं तो जाहिर सी बात है इनसे अगर नहीं निकलता है तो समझ लीजिए आपके मार्गदर्शन में, आपके स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। कि आप किस तरह के से कर रहे हैं, अगर 3 साल से 2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, अगर प्री का स्टेज नहीं क्लियर है तो आपके रास्ते में, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां कोई रुकावट है जो आपको डाइवर्ट कर रहा है, मार्गदर्शन आपको उचित नहीं मिल रहा है। तो आप एक सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो टीम के साथ जुड़िए, आपको काफी फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रूट चेंज कर दें हमारे कहने पर, आप पीसीएस पे ही फोकस हैं तो पीसीएस पे ही फोकस रहिए, ठीक। तो ये 2 बच्चों को कैटेगरी लेकर मैंने आपसे बात की। तो जितने भी हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हो, ये सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास। बाकी और भी लोग, ऐसा नहीं है, और भी जो डिफरेंट जॉब में हैं, जैसे एज ए टीचर हैं, वो भी समीक्षा अधिकारी का जॉब पाना चाहते हैं, वो भी ऐसे ही कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनको भी एक दिशा निर्देश की, एक डायरेक्शन की जरूरत है कि आपको क्या पढ़ना है कि आप निर्धारित समय में चीजों को पूरा कर सके, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। प्री के सिलेबस 140 क्वेश्चन का देखो, बहुत वही सिलेबस पीसीएस वाला ही, कहोगे सर जी सिलेबस भी पीसीएस वाला है, क्वेश्चन में देखो सिलेबस सेम है, यूपी पीसीएस का मैक्सिमम जितना एग्जाम कराती है सब में देखोगे कि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका इनका अलग अलग होता है। यहां है सामान्य विज्ञान, ठीक है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो इस इतिहास को 2 पार्ट में बांटा है, तो किसका मतलब कि वेटेज इतिहास का ठीक ठाक है, जिसमें यहां पे भारतीय इतिहास में एंशियंट और मेडिवल दोनों आ जाएगा, तो यहां से दोनों से मिला के क्वेश्चन रहेगा, और यहां से सिर्फ मॉडर्न का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि आप मॉडर्न में इतिहास में फोकस हो जाते हो तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपका कहीं नहीं गया है। ये वेरी करता है, 10 भी हो सकता है, 12 15 भी हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे 2016 वाला जो री एग्जाम हुआ 20 में, उसमें खाली मॉडर्न से 16 प्रश्न आए थे, एनालिसिस में दिखाऊंगा मैं आपको। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अर्थव्यवस्था में आप ये ना सोचना कि पुरानी जो आपकी ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ना है, अरे यार 2 क्वेश्चन आएगा, यही होता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में आप सिर्फ करंट से रिलेटेड चीजें पढ़ो, आर्थिक रिपोर्ट पढ़ लो जो आर्थिकी आती है, प्लस आप बजट पर ध्यान दे लो, आपको यह अर्थव्यवस्था एकदम हवा की तरह उड़ा दोगे, हवा की तरह भाई साहब। भारतीय कृषि,
इससे प्रश्न आता, अब इसको कहो कृषि उठा के लगे पढ़ने 6-7 क्वेश्चन के लिए, तो ये मूर्खता है। मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। ये भी जब करंट पढ़ोगे तो ये कृषि भी आपका कंप्लीट होगा, वाणिज्य और व्यापार भी आपका करंट से ही कंप्लीट होगा। समझ में आने लगेगा कि पढ़ना क्या है। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक है। पर्यावरण के 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। ज्योग्राफी के साथ ही इसको निपटा सकते हो, लंबा नहीं इसमें आता है। ये पीसीएस होता तो थोड़ा अच्छा खासा यहां से क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट से भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं जो नए कन्वेंशनल हुए, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें आपके साइन होते हैं वहां से क्वेश्चन घुमा के करंट से पूछ सकता है। जनसंख्या और नगरीकरण वाली बात करें तो 2017 में जनसंख्या और नगरीकरण से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे और 16 के री एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो ये टॉपिक यहां पर पीसीएस से आपको अलग करता है। पीसीएस में सेंसस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मिलेगा, ठीक है। है छोटा सा, एक बार रट्टा मार लिए, लेकिन कब मारना है ये ध्यान रखना। पता चले आज से जनसंख्या नगरीकरण रटे बहाए हो, लेकिन यूज कब है? यूज है आपको दिसंबर में। तो ये भैया ये टॉपिक आप एक महीना पहले रट लोगे तो ये कुछ भूलेगा नहीं, किसकी जनसंख्या किससे ज्यादा है, कहां साक्षरता दर ज्यादा है, कहां कम है, कहां जो है आपका पुरुष और स्त्रियों का अनुपात कहां ज्यादा है कहां कम है, यही आपको पढ़ना होता है। इसमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। सातवें विश्व भूगोल और भारत। भूगोल भाई साहब चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे कोई एग्जाम अभी तक जो देखने को मिला है, चाहे बीओ का आपका एग्जाम हुआ, भूगोल से तो ऐसा आयोग को प्यार है, बोल सकते हो लग रहा है इसकी आयोग की ये क्या है, एक्स गर्लफ्रेंड है कि बार बार इसको याद करता रहता है। यहां से भैया इनके क्वेश्चन ये 24-25 तो हमेशा इनके बनते ही बनते हैं गिरे हालत में, ठीक है। 24-25 क्वेश्चन तो ये भूगोल से पूछते हैं। इसमें विश्व भूगोल और भारत, विश्व भूगोल एकदम आसान है, सिर्फ रट्टा मार, ठीक है, रट्टा मार वाला एक पैटर्न है आपका, ये पूछता, बस रट मारो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका 10-12 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके विश्व के रहेंगे, बाकी आपके 12-13 जो क्वेश्चन जो होंगे वो भारत के रहेंगे। उसके बाद से करंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, करंट अफेयर सबसे ज्यादा वेटेज देखने वाला, सबका सिलेक्शन कराने वाला, बोला जाए जीएस में आपको उठाने वाला ये करंट है, जो आपसे 25 से 27 क्वेश्चन तक वेरी करता है। हर एक एग्जाम में ये है, हर एक एग्जाम में 25 से 27 क्वेश्चन ये करंट का आता है, पीएससीएस में भी हो चाहे आरओ वाले में ही भी हो, ठीक है। तो इसको आपको दिन प्रतिदिन चाय की तरह चुस्की ले ले पढ़ना है। एक साथ नहीं मैं कहूंगा इसे पढ़ने के लिए, नहीं पक्का कंफ्यूज हो गए। ये भी नहीं कहूंगा कि मैं एग्जाम के एक महीना पहले आप करंट छुओगे तो करंट लगेगा, नाम ही इसका करंट है। एक महीना पहले छुओगे तो पक्का करंट देगा। अब वो करंट कहां महसूस करोगे? जब एग्जाम देने जाओगे। समझ में नहीं आएगा अरे एकदम करंट लग रहा है, ये अभी पढ़ के आए हैं कि कब पढ़े हैं। इसीलिए इसे आदत डालो, मैगजीन लो हर महीने की, पढ़ते रहो सभी खबरें, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर खबर आप यहां से मैगजीन से कवर कर डालते हो, करो। और उस मैगजीन को महीने के अंदर कम से कम 4-5 बार पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ने से नहीं, पेन चलाने से नहीं, एक बार लाल वाली पेन चलाओ, एक बार हरी वाली चलाओ, एक बार काली वाली चलाओ, 5 बार पढ़ो, 5ों बार में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ये करके देखो, मैं गारंटी देता हूं 100% फायदा होगा। यहां आ जाओ, ये देखो सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार का फिक्स है। इस कोई चेंज नहीं कर पाया है इसको, इस 15 क्वेश्चन से कोई चेंज नहीं कर पाया है। पिछले 2016 के री एग्जाम में 14 हो पाया था, ठीक, मगर ये 14-15 पक्का है, 15 मैक्सिमम बार रहा है, तो 15 आएगा, 7-8 का रेशियो हो सकता है, 7 मैथ हो सकता है, 8 रीजनिंग हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, तो जो टेक्निकल है उनके लिए भाई बहुत फायदा है, 15 क्वेश्चन ही मिल जाए। अरे 2 क्वेश्चन कहीं से बन जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर, ठीक। सिलेक्शन एक एक दो दो क्वेश्चन से रुकता है भाई साहब, ये ध्यान रखना, ये रेस है। तो जो जितना तेज दौड़ेगा वही उतना तेज आगे निकलेगा, ये ध्यान रखना। 10वां नंबर जो सबसे बेहतरीन आपका टॉपिक है,
उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां से यहां से क्वेश्चन आपसे 12 15 हर बार पूछे ही गए हैं, तो उत्तर प्रदेश से इसके जितने भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके दिया संस्कृति, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, किसी भी कोई भी चीजें पूछ सकता है। अगले पे आते हैं, यहां देखिए ये आपका है जिसको हम मैंने कहा था ये पावर है भाई साहब, इस पावर को ऑफ मत होने देना, नहीं तो सही में बता रहे हैं तुम लोग ऑफ हो जाओगे। पावर ऑफ हो गया तो तुम लोग ऑफ हो जाओगे, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी में ही आपको क्या करना है, अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, दूसरे से अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जीएस में लगे रहेंगे, तो आपको जो पीसीएस वाले हैं, जो पीसीएस तो कह रहे हैं कि हम पीसीएस नहीं, हम पीसीएस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भला ही किसी किसी ना जॉब में है, लेकिन वो सोचते हैं हम पीसीएस देंगे, इसकी तो समीक्षा अधिकारी वाली जॉब तो हमारे पास है, ग्रेड पे उतना ही है, लेकिन फॉर्म वो भी भरे हैं, ये मत रहना कि वो फॉर्म नहीं भरे हैं, कहीं सोचते हैं कि अगर पीसीएस नहीं होता कहीं नाम समीक्षा अधिकारी ही बहुत बढ़िया है, ठीक, तो वो फॉर्म भरे हैं, ऐसे नहीं 6 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं भाई साहब, 6 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो वो भी लोग फॉर्म भरे हैं, तो उनका भी एक क्या होता है कि वो पीसीएस की कर रहे हैं जीएस की, तो आपको यहां बैकअप लेना है, उनको कमजोर नहीं समझना, वो कई बार से देते आ रहे हैं पेपर, तो कहीं ना कहीं हिंदी उनकी अच्छी होगी, तो आपको जितने हमारे फ्रेशर बंधु हो, जितने हमारे टेक्निकल वाले हो, देख लो यही टॉपिक है, इसीलिए मैं बोला था अंग्रेज में नहीं पैदा हुआ, इंग्लैंड में नहीं पैदा हुए हो, भारत में पैदा हुए, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में पैदा होगी, वहां बिना हिंदी के काम ही नहीं चलेगा, ठीक, उस हिंदी में एक अच्छा 8वीं 10वीं तक जो पढ़े हो हिंदी वही पूछी जा रही है, बस शब्दों का भंडार आपको बड़ा करना है, बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है वो परीक्षा प्लस टीम आपको बताएगी कि कैसे आपको बढ़ाना है, कैसे एक एक विलोम के, एक एक परिवाची के आपके कितने अच्छे अच्छे वर्ड चुने हैं, के चुन के रखे गए हैं आपके जो नोट्स बनाए गए हैं टीम द्वारा मेहनत करके, कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक का सजेशन हम देंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया छोड़ दो किताब ही पढ़ना, ठीक है, किताब के साथ हम नोट्स का सजेशन देते हैं, ये नहीं कहते हैं नहीं तुम यही पढ़ लो तो तुम कलेक्टर बन जाओगे, नहीं, हम कहते हैं कि आपका ये जो नोट्स यहां से दिया जा रहा है वो आपको क्या करेगा, एक समग्र, एक तरह से पूछा बोला जाए कि सभी को कॉन्साइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। 6 महीना है, इसीलिए किताबों का भी अध्ययन आपको करने के लिए सलाह दी जाएगी, जैसे हम विषयवार रणनीति पर आएंगे। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आएगा, कहां नहीं पढ़े हो, बचपन से पढ़ता हो तो, मतलब आप जो है यहां से 10वीं तक इसके बारे में जानते हो, कोई भी अगर जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके विलोम और परिवाची बता देते हो, तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं पढ़ के जाते हो तो 30 क्वेश्चन सही करके आओगे। वाक्य वर्तनी और उसकी शुद्धियां आपको पहचानने के लिए आएगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी आपको रट्टा मारवारा है, तत्सम तद्भव का आपको रमन सर द्वारा ऐसा ट्रिक बता दिया जाएगा कि आप मिनटों में तत्सम तद्भव आप पहचान सकते हो कि कैसे हम तत्सम तद्भव को पहचाने, रटने की जरूरत नहीं है। विशेष और विशेषण, इसको भी आपको अगर बता दिया जाए कि कैसे पहचाना जाता है तो 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे कि कहां विशेष होता है, कहां विशेषण होता है, ठीक है। रटने वाला देखो ये थोड़े ट्रिक से हो जाएंगे तो ट्रिकी तो और अच्छा होता है। बाकी ये परिवाची शब्द ये रटना ही रटना है, वो भी सिर्फ इसको तो प्री तक ही रटना है, मेंस में ये गायब ही हो जाता है, 5 ही पॉइंट रह जाते हैं ऊपर के 5 पॉइंट, ठीक है, परिवाची गायब हो जाता है। तो 10-10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, तो मेरे बंधु यहां 57 क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन से कम नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो ये टारगेट हमारा होना चाहिए कि 57 से 58 क्वेश्चन हमारे सही हो। अब कहोगे सर जी काहे फेंक रहे हो, इतना कैसे 60 में से सही हो जाएगा, अरे हम फेंक नहीं रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं, अगर हकीकत से वाकिफ नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतना जान लो। तो मेहनत करो, बहुत हार्ड नहीं होता ये पेपर, ये तुम खुद देख लोगे जब तुम्हारे 57 से 58 सही होंगे। अगर आगे आते हैं, अब सही रणनीति क्या है, और प्री के लिए हमारा सेफ स्कोर, मैंने कहा सेफ स्कोर यही है भैया, एकदम सेफ हो जाओ, दूर चले जाओ, 145 प्लस हमें करके बैठना है, कोई झंझट ना रहे, सुखपुक नहीं रहे दिमाग में कि अरे यार 2-3 क्वेश्चन से कहीं लटक ना जाए, 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए तो हम अंदर हो जाए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आपका आयोग ले ही जाएगा, 4-5 क्वेश्चन पता चले आप जो सही करके आओ आयोग कहे गलत है,
कहां तक लड़ोगे उससे। तो इस चार पांच क्वेश्चन से अच्छा है कि आप मार्जिन बनाओ 15 क्वेश्चन की। अरे जाओ 10 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आयोग गलत कर ले तभी भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए दिमाग में, ठीक। तो ये 15 क्वेश्चन इसीलिए मैं कहा 145 बना के चलो दिमाग। देख लेते हैं कि हम लोग कि अभी तक आपके आरओ एआरओ में विषय आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन कहां कहां से आपके पूछे गए थे उनकी एनालिसिस आपके सामने है, ये स्क्रीन पर है। इसके डिटेल के बारे में हम चर्चा जो है जब विषयवार रणनीति हमारी चलेगी उसमें आपके विषय के विशेषज्ञ आपको बताएंगे, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 2016 का जो री एग्जाम था 2020 में हुआ और 17 वाला जो था उसमें किस विषय से कितने क्वेश्चन आए थे, ये रहा और कुछ ये रहा, ठीक है। तो ये आपके एनालिसिस से जो आपको बताया जाएगा डिटेल में जब सब्जेक्ट वाइज चर्चा चलेगा। इसके बाद से हम बात करते हैं, हम कट ऑफ की बात करते हैं कि हमें लाना कितना है भाई, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो 2013 की बात है जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो निगेटिव जब मार्किंग नहीं होती थी तो सामान्य वर्ग का और ओबीसी का 148 अंक कट ऑफ गया था, महिला का 132 गया था, अनुसूचित जाति का 131 और अनुसूचित जनजाति का आपका 117 अंक गया था। आप कहोगे सर बहुत कट ऑफ गया था, अरे नॉन निगेटिव था और बहुत पुराना सिलेबस था, बहुत पुराना एक तरह से बोल सकते हो पैटर्न था आपका एग्जाम का, उसमें आपका ऐसा गया था जब निगेटिव नहीं होता था। लेकिन 2017 में जो कट ऑफ गया वो भी नॉन निगेटिव था, वहां आपका कम गया, सामान्य वर्ग 122 और ओबीसी का भी 122, महिला का भी 122, अनुसूचित जाति 105 और जनजाति का 84 गया था। साथ साथ ये आरओ का कट ऑफ है, एआरओ का कट ऑफ सहायक समीक्षा अधिकारी भी है, इसे मत भूल जाना, उनके लिए चांदी है जो ओ लेवल करके आए हैं, उनको कुछ नहीं करना है बस किसी तरह, क्योंकि 2017 में एआरओ की कट ऑफ जो थी बच्चों, एआरओ की कट ऑफ 84 क्वेश्चन गया था, जिसके 84-85 क्वेश्चन सही थे वो एआरओ प्री क्वालिफाई हो गए थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एआरओ वाले जो ओ लेवल के समकक्ष हैं, मेनली ओ लेवल की हैं, उनके लिए चांदी, आप 84 क्वेश्चन किसी तरह कर लो, हिंदी को और जीएस के कुछ पोर्शन को पकड़ लो, आपके 84 वैसे हो गए, एकदम हवा में तीर मार सकते हो, ठीक है। तो ये है। और जो 2016 वाला आपका एग्जाम हुआ है 2020 में, 2016 वाला का जो एग्जाम 2020 में हुआ इसका कट ऑफ आयोग ने नहीं निकाला, लेकिन बच्चों से जब पूछा गया तो ये पता चला है कि भैया 129 वाले बच्चे का नहीं हुआ, क्या है 129 का नहीं हुआ। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 का जो कट ऑफ गया है कहीं ना कहीं 30 से 35 क्वेश्चन, 130 से 135 क्वेश्चन गया है, और एआरओ का जो कट ऑफ गया है वो आपका कहीं गया है 110 से 115 से 117 क्वेश्चन, क्योंकि 114 पे आपका नहीं हुआ है बच्चों का, पूछा गया था तो 114 पे नहीं हुआ था, तो 115 से 117 एआरओ का वगैरह गया है। तो एआरओ वाले तो निश्चिंत रहिए, आपको हिंदी सिलेक्शन दिला देगी और कुछ ऊपर ऊपर जीएस वाले पोर्शन आपको सिलेक्शन दिला देगा। तो हमारा टारगेट क्या है, हमने कहा भैया हमें 145 लाना है, किसी हालत में क्या करना है 145 प्लस लेना है, कि भैया हमें 4-5-10 क्वेश्चन का कोई असर ना पड़े, क्वेश्चन आयोग से गलत भी हो जाए तभी भी कोई असर ना पड़े, ये हमारा सेफ साइड है। तो ये हम कैसे ले आएंगे, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहां पर देखो जो आपके एनालिसिस मैंने इसीलिए यहां पर रख दिया है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना, कि हिंदी का मैंने बताया कि आपका पावर की तरह काम करेगा और हिंदी में आपको 60 क्वेश्चन है तो इसको आपको कितना अचीव करना है। मैं तो कहता हूं भाई 57 से 58 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि सभी लोग करके आते हैं, लेकिन तुम लोग फ्रेशर हो, तुमसे हम सिर्फ कहते हैं 55 क्वेश्चन ही कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूं। 55 क्वेश्चन आप हिंदी से कर सकते हो, ये आपका या 100% श्योर है ये हो जाएगा अगर आप पढ़ते हो बताए हुए रणनीति पे। तो 55 ये हो गया। करंट को आपको मैंने कहा कि रेगुलर आपको करंट मैगजीन आपको पढ़ते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है, एक साथ करंट नहीं पढ़ना है, नहीं तो करंट एक झटका लगेगा आपको बहुत जोर से, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, समझ नहीं पाओगे। तो करंट के कितने क्वेश्चन हैं आपके, 24 से 25 क्वेश्चन है, मैं कहता हूं तुम 22 क्वेश्चन करो, इस दोनों क्वेश्चन को मिला लोगे तो 77 क्वेश्चन आपका आ गया, मतलब आप एक टारगेट 145 के टारगेट का क्या किए,
50% अचीव कर लिए हो, 50% अचीव कर लिए हो सिर्फ दो सब्जेक्ट से, हिंदी से और करंट से। तो इन दोनों को तो आपको लास्ट तक नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, रटते रहना है, एक बार नहीं दसन बार पढ़ना है। तो ये 50% आपका सिर्फ ये दो चीजें कवर कर ले गई। उसके बाद से आपका ये उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, यूपी स्पेशल आपको, क्योंकि इसका सिलेबस आपका कम होता है, मात्र 15 दिन में आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको कितना दे देगा, ये 15 क्वेश्चन दे देगा, 15 से 17 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 से 17 में हम मिनिमम माने तो हम 15 जोड़ लेते हैं, तो 77 प्लस 15 आपके 7 5 12 और यहां पे आ जाएगा 92 क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है, 92 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद से आपको किस पे अचीव करना है, उसके बाद से आपको साइंस, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको साइंस नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े चले जाओगे तो अगर आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका वेरी करेगा, देखने को मिलेगा। तो 10 से 15 में अगर बायो आपको अच्छे से आती है तो आप कुछ नहीं, तो हम कहते हैं वेरिएबल में आप 10 यहां से मान के चलो कि आप 10 क्वेश्चन अचीव करते हो तो आप पहुंच गए हो कितना, 102 क्वेश्चन पे, ये आपके हो गए कितने, 102 क्वेश्चन। और साइंस भी आपका मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है साइंस में। यूपी हो गया साइंस, सिर्फ छोटा छोटा पोर्शन बता रहा हूं, कहां पहुंच गए, 102 में पहुंच गए हो। उसके बाद से आपका जो है क्या है, उसके बाद से आपका जनसंख्या नगरीकरण है, उसको रट्टा मारना है मुश्किल से 5 दिन में, ठीक है, आपको सेंसस जो है मुश्किल से 5 से 10 दिन में, लास्ट के 5 से 10 दिन में आपको कितने क्वेश्चन आपको दिला देगा, 5 से 7 क्वेश्चन दिला देगा, आप 107 क्वेश्चन पर पहुंच गए, बहुत छोटा छोटा मार्जिन है, ठीक। उसके बाद आपका जो बचता है यहां पर, जनसंख्या नगरीकरण मैंने बता दिया, उसके बाद से आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपका, वो है आपका जो है रीजनिंग और मैथ वाला, जो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 5-10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो रीजनिंग मैथ में। अगर आपको मैथ नहीं भी आती है, रीजनिंग सभी को आती है, सभी को रीजनिंग आती है, तो इसके 5 क्वेश्चन तो कह ही सकते हो गिरे हारत में, और 2 क्वेश्चन आप रटा रटा है मैथ का कर सकते हो, 7 क्वेश्चन कर लोगे तो 107 प्लस 114 क्वेश्चन ऐसा हो गया जहां आपको अभी मेन सब्जेक्ट छूने के लिए नहीं, मैं बोला हूं ना हिस्ट्री बोला हूं ना ज्योग्राफी ना पॉलिटी, सिर्फ ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिनको आप लास्ट के 10-10 15-15 दिन पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स 114 आ जा रहे हैं, 114 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। अब आपके पास आता है भैया ब्रह्मास्त्र, जिसमें है जियोग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपको कवर करना है, ठीक है। कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें किसको करना है, पॉलिटी का, क्योंकि सिलेबस इसका डिफाइन है, आपको पता होगा जब सब्जेक्ट वाइज रणनीति बताई जाएगी तो आपके टीचर बताएंगे कि भैया ये पढ़ लो, यहीं से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो भैया 10 से 15 क्वेश्चन में आपको हम मिनिमम का मान रहे हैं कि आप 10 क्वेश्चन इसमें अचीव करोगे, तो 114 प्लस 10 कितने हो गए मेरे लालो, 4 और 1 1 2 124 क्वेश्चन हो गया, 124 पे पहुंच चुके हो, सिर्फ पॉलिटी अभी छुए हो। ज्योग्राफी भी आपकी 17 से 20 क्वेश्चन रहेगा, आपको हम कहते हैं आपको 15 क्वेश्चन इसमें सही करना है, पढ़ डालो, टाइम बहुत है, आप इसे 1 महीना दे सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, 1 महीना से कम दे सकते हो, 20 दिन 20 डेज में अच्छे से इस पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, आप क्योंकि विश्व भी पढ़ना है और भारत भी पढ़ना है तो आप इसे 1 मंथ दे दो, ठीक है, 1 मंथ में आप 15 क्वेश्चन यहां से कर लो, 9 हो गया 2 1 3 हो गया, 139 क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं, मतलब आप कट ऑफ पार कर चुके हो, इतना ध्यान रखो आप कट ऑफ पार कर चुके हो, 139 पे पहुंचो, बस सेफ जोन में जाना है। सेफ जोन में जाने के लिए हमारे पास इतिहास है, इतिहास के 3 पार्ट हैं, एंशियंट है आपके पास, मेडिवल है और मॉडर्न है, तो मॉडर्न से आपका क्या आएगा, मॉडर्न से आपको मैक्सिमम 50% क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों से 50 पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न पे टारगेट करना है कि 20 दिन में आपको मॉडर्न क्या कर देना है, हमें किसी हालत में समाप्त कर देना है। तो मॉडर्न से आपके 10 क्वेश्चन हो गए, आप पहुंच गए भैया कितना, 149, हमारा हो गया क्या टारगेट पूरा, हमारा टारगेट पूरा हो गया 149, बाकी भाड़ में जाए, हमें नहीं लेना देना एंशियंट और मेडिवल से, लेकिन पढ़ना सब है क्योंकि आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कैसे हम 145 प्लस टारगेट अचीव करें, हम छोटे छोटे पोर्शन से मात्र 10-10 15-15 दिन की पढ़ाई पर हम कितना पढ़ लिए थे, हम कितना टारगेट अचीव कर लिए थे, 114 क्वेश्चन अचीव कर लिए थे। और जहां तक अभी हम बड़े सब्जेक्ट को छुए नहीं है, जैसे बड़े को छुए हम 150 पार चले जा रहे हैं,
तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि छोटे छोटे को मिलाकर हम कैसे छोटे छोटे बूंद से घड़ा भर देते हैं, तो वही बात है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि आपको परीक्षा प्लस टीम RO ER के लिए विशेषकर कुछ बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नोट्स बनाए हैं, उसको हम एक झलक आपको दिखा रहे हैं। बाकी आपके विषयवार जो रणनीति बताई जाएगी तो वहाँ आपको टीचर पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस विषय से कहाँ से आपको ये नोट्स कैसे तैयार किए गए हैं, कि यहीं से क्वेश्चन आपके हर बार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से नोट्स तैयार किए गए हैं। तो यहाँ मैं कुछ झलक आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है और बहुत ही कम दामों में आपको यहाँ से संस्था से ये नोट्स, आपको वीडियो क्लासेस सब कुछ मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। तो आप देख सकते हैं नोट्स की यहाँ पे क्वालिटी, आप देख सकते हैं ये आपकी क्वालिटी के नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन हर एक चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाया गया है, या नोट्स जो बनाया गया है एक स्टैंडर्ड किताब आपकी, जो सब लोग कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत फॉलो करो, उसके एक पूरे समराइज करके उसके सभी फैक्ट को रख के जितने एग्जाम में प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा उसके फैक्ट के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें रखे गए हैं, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। ऐसे ही आपके हिंदी के नोट्स हैं, ठीक है, ऐसे आपके हिंदी के नोट्स में पूरे इतना शब्दकोश का एकदम भंडार पड़ा है, 800 900 विलोम परिवाची ऐसे दिए गए हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपके सभी सब्जेक्ट के हैं। मैं कुछ आपका पॉलिटी आपने देख लिया, अभी हिस्ट्री भी होगा इसी में, बाकी आप विषयवार में आप देख सकते हो कि विषयवार में आपको जब टीचर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे, देखिए हिंदी वाला है, देख रहे हो 800 814 815 816 इतने आपके शब्दकोश का भंडार है हिंदी में। तो बहुत ही कम दाम में परीक्षा प्लस आपको गुणवत्तापूर्ण नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा विश्वास करिए आप टीम के साथ जुड़िए, सफलता हम आपको दिलाएंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। आप हमसे जुड़ने के लिए, विषयवार रणनीति के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का जो है पुश करना है, ताकि आपको जो भी वीडियो आरओ से रिलेटेड रहें वो आपको मिलती रहें। और हमसे जुड़ने के लिए परमानेंटली आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे आप जुड़ेंगे तो आपकी और हमारी वार्तालाप और स्ट्रेटजी हम जूम मीटिंग पर बच्चों से डिस्कस करते हैं, तो वहां आप अपना बता सकते हैं समस्या, वहां पर टीम पूरी आपकी समस्या सुनेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज के अगले श्रृंखला में, जहां हम विषयवार रणनीति के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।